राजस्थान में शर्मसार करने वाली ये तस्वीर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देती है। ये तस्वीर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान के सफलता पर सवाल उठा रही है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है और दावा किया जा रहा है स्वस्थ होगा इंडिया। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहनत पर पानी फेरने वाली है। देश बदल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही? क्या ऐसे सुधरेगी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था? इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर जिले की भारत पाक सीमा पर बसे गडरा रोड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हैं, जहां दो महिलाओं का पोस्टमार्टम अस्पताल परिसर की सड़क पर कर दिया गया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया कि धरती के भगवान यानी डॉक्टर ऐसे भी हो सकते हैं। देश के अस्पतालों में इतनी भी जगह नहीं कि बंद कमरे में पोस्टमार्टम हो सके। एक तरफ सरकार मुफ्त में इलाज, दवा और ऑपरेशन के दावे करती है, लेकिन इन दावों की हकीकत कितनी बदरंग है उसके लिए बाड़मेर की ये तस्वीरें काफी हैं। तो हम सीएमएचओ से इस संबंध में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो हमारे द्वारा कलेक्टर के द्वारा बताई जा रही है और मंगवाने के पश्चात उसमें क्या स्थितियाँ रही हैं और क्या वास्तविक परिस्थितियाँ रही हैं, फैक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद में हम कुछ बताने की स्थिति में हैं। दरअसल मंगलवार को तालमोर गांव में दो महिलाओं की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद शव को अस्पताल लाया गया। उसके बाद जो हुआ उसने देश को शर्मसार कर दिया। अस्पताल परिसर की सड़क पर शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। तर्क ये दिया गया कि पोस्टमार्टम के लिए अलग से कमरा नहीं है। परिजन मना करते रहे, लेकिन अपने आप को धरती का भगवान समझने वाले डॉक्टर ने एक नहीं सुनी और सड़क को ही पोस्टमार्टम रूम बना दिया। लाखों के भवन में अस्पताल प्रशासन को एक कमरा ऐसा नहीं मिला जहां इन शवों को रखकर पोस्टमार्टम करवाया जा सकता था। दोनों महिलाओं के शव रात भर मरीजों की भर्ती करने वाले वार्ड में रखा गया। रात भर दूसरे मरीज परेशान रहे। दूसरे दिन सुबह जो हुआ वो तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग पर सवाल छोड़ गई। क्या इन्हीं अस्पतालों के सहारे आयुष्मान भारत का सपना पूरा होगा? क्या इसी स्वास्थ्य विभाग के सहारे विश्व की सबसे बड़ी योजना सफल होगी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर से वीरेंद्र शेखावत, एपीएन।